हेलो एवरीवन, आई एम कौशिक और आप सभी का स्वागत है आज के एक फ्री लेसन पे फ्रॉम द मूवी कलंक। तो आज का कितना लेसन होगा कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक के ऊपर। तो आज हम लोग इसका टैब्स देखेंगे, कॉर्ड्स देखेंगे और स्ट्रमिंग पैटर्न भी सीखेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबा के हिट कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल बटन को जरूर हिट कीजिए। इससे क्या होगा, हम जब भी कोई ट्यूटोरियल डालेंगे चैनल पे यू विल बी नोटिफाइड विद द नोटिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो सेक्शन से। इस गाने में बहुत एडवांस टेक्निक कुछ नहीं है, बस कुछ पुल अप और हैमर है, बाकी और एक बैंड है एक जगह, बाकी सब नोट टू नोट बजेगा। तो इंट्रो देखिए। ये रिपीट होगा फिर से। ये हो गया आपका इंट्रो। तो गाना शुरू होगा थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट से स्लाइड। फिर से रिपीट होगा, मैं बेंड फिर से दिखा रहा हूं। कुछ आपको थर्ड स्ट्रिंग का सिक्स्थ फ्रेट को लेके एक बार स्ट्रोक करना है, उसके बाद स्ट्रिंग को अपवर्ड बेंड कीजिए इस तीनों उंगली को यूज करके। तो पूरा चीज ऐसा लगेगा। Slide again, then ये पूरा चीज रिपीट होगा फिर से। Slide, और बाकी जो बजाएंगे वो फर्स्ट पार्ट की तरह पूरा रिपीट एकदम। So this completes the first part of the song. Now moving to the second part of the song. Second part should hoga slide se. मतलब पहले क्या कर रहे थे, सिक्स से एट तक स्लाइड कर रहे थे, अब होगा सिक्स से नाइन जाएगा फिर एट पे रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ऐसा चलेगा। रिकॉर्ड कीजिए फिर यहां से, फिर से 11 तक स्लाइड होगा। हैमर तो पूरा ऐसे चलेगा। ठीक, तो ये पूरा चीज दो बार रिपीट होगा। Now
फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए फिर यहां से साइड, ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके, ये थोड़ा इफेक्ट आएगा, और अभी जो पार्ट बजेंगे वो दैट हैज बीन इम्प्रोवाइज बाय मी, ये गाना में नहीं है। तो विद दिस वी विल एंड द सॉन्ग, ये थोड़ा स्लो बजाना है आपको, ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्लो जाना है आपको, the mood of the song. तो इस गाने में जो chords बजे हमने, for that I have used capo at the first fret. तो जिन लोगों के पास capo नहीं है and they want to buy the capo, for them I have put the affiliate link in the description box below. Do check out that link. जो लोग खरीदना चाहते हैं, they can purchase the capo from that link. तो both with capo and without capo मैं chords screen पे दिखा दूंगा, थोड़ा देख लीजिए। और अब शुरू होता है गाने का intro section में, मैंने एक finger step play किया है, तो वो कैसा होगा? कीजिए, कॉर्ड होल्ड करना है आपको, फिर ऊपर का तीन स्ट्रिंग विद द थंब स्ट्राइक कीजिए, देन विद द मिडिल फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग एंड विद द इंडेक्स फिंगर द सेकंड स्ट्रिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रो का सेक्शन। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्ट्रमिंग पैटर्न। तो स्ट्रमिंग ऐसे चलेगा, डाउन डाउन अप अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ये हो गया विदाउट म्यूट। और जो लोग म्यूट करके बजाना चाहते हैं, फॉर देम डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप 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 डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप। इंडेक्स फिंगर डाउन, देन यूजिंग द पाम म्यूट कीजिए, डाउन म्यूट, देन विद द थंब अप अप, देन अगेन म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप 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 म्यूट अप।
that's the strumming pattern in the song. And with this we come to the end of today's tutorial. उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इस tutorial से. अगर कुछ सीखने को मिला हो तो please hit the like button और subscribe कीजिए इस channel को. Until the next lesson, keep learning, keep growing. Bye.